वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो मैं छत पर आई हुई थी मामा के यहाँ बच्चों को लेकर। मेरे बच्चे खेल रहे हैं। अनाबी मामा के घर की छत पर आए हुए हैं हम, और मेरी बेटी को तो बड़ा ही मजा आ रहा है। कागा कागा, मेरी बेटी को बड़ा ही मजा आ रहा है। नो चिड़िया का खाना है, वो अच्छी है ना, वो भी चिड़िया का खाना है। नो चिड़िया का खाना, आओ। नो नो चिड़िया का खाना है, चलो मैं नीचे नहीं जाना। ये मेरी मामा के घर की लास्ट दीवार है, उसके पीछे जो है ये है। नहीं करो मी अब्बा, मेरे अब्बा को चप्पल पहना देनी चाहिए थी, मैं शूज नहीं पहनाया इसे। देख ले कितना दौड़ गई ये। अभी जब तक यहाँ पर हम लोग, रोज हम लोग अपनी बेटी को लेकर शाम में ऊपर आया करेंगे, क्योंकि भाई बहुत मजा आ रहा है मेरी बेटी को यहाँ पर, बहुत मजा आ रहा है। दो बार लाइट आना जाना की, पापा ने बोला था मोटर चलाने, हम लोगों ने नहीं चलाया। अनाबिया बस बस, चलो तैसे अनाबिया थक जाओगी, चलो बस। नहीं जाना ना। क्यों नहीं जाना मेरी बेटी को? अरे नाना, अरे अरे रहने दीजिए ना, अभी हम लोग थोड़ा सा खेले, अब बहुत देर खेलते। पैर में दर्द हो जाएगा मेरी बेटी को। चलो इनको बहुत जल्दी है नीचे जाने की, चलो चलते हैं। बस हो गया, चलो थक जाए। हम लोगों को पकोड़े बनाने, चलो पकोड़े तलते हैं। आराम से आराम से। खुशी देख लो इसकी, इसकी खुशी देख लो, इसकी खुशी, इसकी खुशी। कौन है? बाबा कहाँ है? बुलाओ बाबा। मामा, मामा। चलो हम लोग नीचे चलते पकोड़े बनाते हैं, चल के चलो आ जाओ। चले सही साहब, कोई आया है पापा आपको बुलाने? शमी अंकल, चलो चलो आ जाओ। मैं पकौड़ों की तैयारी कर कर ऊपर, मैं पकौड़ों की तैयारी करके गई थी ऊपर। बस सभी इसको मिक्स करते हैं, फटाफट से पकौड़े तैयार करते हैं। आप लोग और ज़रा कमेंट में बताइएगा कि इन नानों का क्या हाल है। बहुत कुछ मैंने कर लिया, बट मेरी गर्मियों में दाने उभर जाते हैं, सर्दियों में ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्या चीज़ ऐसी यूज़ करूँ, कौन सा सीरम या कौन सा क्लेंजर, कौन सी चीज़ यूज़ करूँ जिससे मेरे एक्नीस ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये गर्मियों में हो जाते हैं, सर्दियों में ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आता कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो आपको कमेंट में ज़रूर कोई आइडिया दे दीजिएगा। तो चलिए बस पकौड़े की तैयारी करते हैं। क्या हो रहा है मीरा? निकालो। देख लो जरा बाबा की पॉकेट से किस तरह मोबाइल निकाला जा रहा है। ये जद्दोजहद मोबाइल में कार्टून देखने के लिए हो रही है। मेरी मीरा बच्चे टोस्ट खा रही है। खा लियो, आप लोग मुझे नए नए कंटेंट बताएं कि मैं किस पे वीडियोस बनाऊं, क्या क्या करूं, क्या ना करूं, क्योंकि मुझे फ़िलहाल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस हिसाब से अपनी जो है व्लॉगिंग को लेकर चलूं, क्योंकि टाइम नहीं होता। और अगर कभी व्लॉगिंग कर भी लूं तो मेरे बच्चे इतना चीखते चिल्लाते हैं कि ओ माय गॉड, मेरी फ़र्स्ट व्लॉग में आपने देखा हो मेरी बेटी कितना चीख रही थी। असल में वो खेल रही होती है, लेकिन वही दोनों बहनों की शेयरिंग के मसले, और वो कुछ ले ले तो उसे चाहिए, वो ले ले तो उसे चाहिए, इस चक्कर में जो वो चिल्लाती है मेरी छोटी बेटी। तो वीडियो में बड़ा मस्त हो जाता है बनाना, इसी वजह से मैं इतने दिनों से डिफरेंट शॉर्ट्स या वीडियोस डाल रही थी, बट प्रॉपर तरीके से व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। मैंने सोचा करूँगी तो थोड़ा मेरे बच्चे भी मेरा साथ दे दें, चीखें चिल्लाएं नहीं, रोए नहीं, तो फिर मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना लिया करूँगी। बस अभी हम चाय नाश्ता करके, हम पकौड़े बना लिया था मैंने, थोड़ा सा पापड़ तल लिया था और चाय पी रही थी। तो बस ये बच्चों की वेफर्स मैंने भी सोचा तो मुझे खा लेती हूँ। बच्चों की चीज़ों खाने में जो मज़ा है, कुछ भी खा लो, बच्चों की चीज़ों में अलग ही मज़ा है। मैं तो खा लेती हूँ बच्चों से लेकर।
यमी है, यमी है, खा लो। मामा पापा जो है वो बैठे हुए हैं, वो लोग भी चाय पी रहे हैं, और मैंने सोचा कि मैं कमरे में थी मीरब के साथ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ वीडियो बना लेती हूँ, कुछ बातें कर लेती हूँ। और अनाबिया गई हुई है बाहर चीज़ें लाने अपने बाबा के साथ, तो बस वो अभी आती होंगी, फिर हम डिनर विनर करेंगे थोड़े टाइम बाद, क्योंकि अभी तो चाय नाश्ता हुआ है, फिर हम डिनर वगैरह करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर होगा। अच्छा, मैंने जो है टी ट्री ऑयल जो है एक्नी सीरम है, जो मैंने सुना है कि फेस के लिए बहुत ज़्यादा, क्या कर रही हो मेरा नो खराब हो जाएगा ना, चाहे मैं मम्मा का बेटा। टी ट्री सीरम फेस ऑयल है जो कि एक्नी के लिए बहुत ज़्यादा जो है, आजकल मैंने वीडियोस में और ऑनलाइन देख रही हूँ कि शो हो रहा है और मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि टी ट्री सीरम जो है फेस सीरम वो कैसा है और क्या रिव्यू है उसका, अच्छा है नहीं है। मैंने सोचा कि मैं ऑर्डर करके मंगवा लूँ, लेकिन अगर आप लोगों को इस बारे में कोई आइडिया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उंगली ये वाली लग रही, शहादत वाली उंगली लग रही और दूसरी अंगूठा है। क्या मुझे भी सिखा सकती हो? क्यों नहीं? तो गाइस अब जो है रात हो चुकी है और खाना वाना हमने खा लिया है, अब मैं यहीं पर अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ, क्योंकि जो है अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा थका दिया है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो अगली बार शूट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।